सो एक्स का डेरिवेटिव आपका 1 आ गया, ये आ गया माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब हमें क्या करना है, हमें इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करना है क्योंकि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। सो दिस इंप्लाइज साइन का डेरिवेटिव कॉस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, देन माइनस हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं, प्लस आ जाएगा यहाँ पे यू इंटू वी लगा रहे हैं हम, साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, फिर आगे साइन वाई एज इट इज एंड डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे एक गलती की है, बताओ क्या? वन मिस्टेक आई हैव मेड ओवर हियर, क्या मिस्टेक है बताइए? इस वाली टर्म में मैंने डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज लिखा, साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई लिखा, यहां खत्म। क्यों, ये फर्दर डिफरेंशिएबल नहीं है? विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रही हूं ना मैं डेरिवेटिव, तो वाई आपका फर्दर डिफरेंशिएबल है, तो वाई को फिर से आप डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे साथ में फिर से आपका डी वाई बाई डी एक्स लिखा जाएगा। गॉट दिस स्टेप? क्लियर है? दोबारा देखो इसको, हमने डेरिवेटिव लेना है साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, नेगेटिव साइन नहीं मैं ले रही अभी। मैंने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स को एज इट इज लिखा, साइन वाई का डेरिवेटिव ले रही हूं मैं, दैट इज कॉस वाई। अब क्योंकि मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले रही हूँ, यहाँ पे वाई फर्दर डिफरेंशिएबल है जिसका डेरिवेटिव 1 नहीं बन रहा, तो इंटू डी वाई बाई डी एक्स आपको फिर से लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे इसलिए आपका डी वाई अपॉन डी एक्स जो है ये दो बार आएगा। अभी ना आपको अभी भी डाउट लग रहा है ना, क्लियर है? आ गया क्लियर है ये सबको? अब इसको फिर राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, इक्वल टू जीरो। अब फिर से हम लेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा ये, इंटू कॉस वाई विद नेगेटिव साइन, यहां से मैं ब्रैकेट खोलूंगी तो माइनस साइन वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। मुझे फाइंड आउट करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक तरफ रखेंगे, बाकी सभी टर्म्स हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। सो दिस विल बिकम माइनस साइन वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ये वाली टर्म जो नेगेटिव है इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी, दिस इज कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। अब मुझे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो है इन टर्म्स ऑफ वाई निकालना है, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स जो है आप यहाँ से रिमूव करोगे। अब डी वाई अपॉन डी एक्स जब आप यहाँ से रिमूव करोगे तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन साइन वाई, लेट दिस बी योर इक्वेशन नंबर 1। dy by dx की वैल्यू यहां से हम इसमें पुट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा सिंपलीफाई करके। सो दिस इज माइनस साइन y d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू cos y, ये वाला साइन y भी हम इधर ले आते हैं विद नेगेटिव साइन, तो ये हो गया आपका माइनस cos y अपॉन साइन y इंटू dy अपॉन dx को मैं रिप्लेस करूंगी माइनस 1 अपॉन साइन y से। ये हमने इसका स्क्वायर ले लिया, सो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉस अपॉन साइन इज कॉट, माइनस 1 अपॉन साइन इज कॉसेक, सो दिस इज माइनस कॉट वाई cos x square y, so this is your answer. If any doubt is there, you can ask. बुक कल से बुक हो सबके पास अपनी अपनी, कोई डाउट है इसमें तो यू कैन आस्क। क्लियर है, समझ आ गया? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा,
इफ वाई इज इक्वल टू 3 कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस 4 साइन ऑफ लॉग एक्स शो दैट एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये नोट डाउन हो गया, कर दो इरेज, कर लो नोट डाउन, कर लो कोई बात नहीं। जिनका हो गया स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन नंबर 13। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो बच्चे स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, इफ वाई इज इक्वल टू 3 कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस 4 साइन ऑफ लॉग एक्स देन वी आर टू प्रूव दैट एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस y इज इक्वल टू 0। इस तरह के क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ये y2 है इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, y1 है मींस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो आप यहां से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, यहाँ पे वैल्यूज पुट करो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 शो करो, ठीक है, इन दैट वे ऑल्सो यू कैन डू। अब यहां से हम y डैश यानी कि y1 ले रहे हैं, क्या आएगा बोलो जी, माइनस 3 साइन log x इंटू log x इज फर्दर डिफरेंशिएबल, क्या आएगा log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, खत्म यहां पे। अगला 4 cos log x इंटू 1 बाय x, अब देखो 1 बाय x यहां पे भी है, 1 by x यहाँ पे भी है, इस x को मैं दूसरी तरफ ले जाती हूँ तो I will get x y1 is equal to minus 3 sin log x plus 4 cos log x। क्या कर रहे हैं अब अगले स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप फिर से डिफरेंशिएट करें, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें लेना है क्योंकि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन। यहां अब ये ध्यान देना है एक्स और वाई दोनों डिफरेंशिएबल हैं तो यू इनटू वी लगाओगे, यू एज इट इज एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वाई वन, वाई वन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा वाई टू, ठीक है, अगर ऐसे वाई वन वाई टू में कंफ्यूजन होती है तो यू कैन राइट इट डाउन एज डी वाई बाई डी एक्स ऑल्सो, तो फिर यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा d square y upon dx square, ठीक है, तो x into y one का derivative आ गया y two plus dy by dx as it is derivative of x is one, this is equal to, अब यहाँ पे again फिर यही चीज आप लगाओगे minus three as it is sine का derivative cos and log x is further differentiable तो upon में x, यहाँ पे फिर से plus four cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ log x इंटू log x इज फर्दर डिफरेंशिएबल 1 अपॉन x। अब मैं यहाँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को y2 लिख रही हूँ, इसको y1 लिख रही हूँ, ये वाला x जो है अगेन दोनों में है, दोनों टर्म्स में है तो इस x को मैं फिर से इधर ले आऊंगी तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाई टू हो जाएगा, यहाँ एक्स वाई वन हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू दोनों टर्म्स में आपका माइनस साइन है ये मैंने बाहर ले लिया, ये रह गया 3 कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस 4 साइन ऑफ लॉग एक्स
ये स्टेप क्लियर है? दोबारा देख लो इसको, y इक्वल टू गिवन था हमें, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया, माइनस थ्री एज इट इज आया, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, log ऑफ x एज इट इज, log x फर्दर डिफरेंशिएबल है तो इसकी जगह 1 अपॉन x, फिर प्लस 4 एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव cos ऑफ log x, log x इज अगेन फर्दर डिफरेंशिएबल, इसका डेरिवेटिव आ गया 1 अपॉन x. अब हमने क्या किया, यहाँ पे भी अपॉन x था, यहाँ पे भी अपॉन x था, अपॉन x जो है 1 अपॉन x कॉमन लेके x को हमने इधर लिख दिया, x इधर डिवाइड कर रहा था, यहाँ आके मल्टीप्लाई करेगा. क्लियर? अब फिर से इसको डिफरेंशिएट किया क्योंकि जो मुझे प्रूव करना है अकॉर्डिंग टू दैट आई हैव टू फाइंड आउट द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. सो दोबारा डिफरेंशिएट किया, यहाँ x और dy अपॉन dx दोनों डिफरेंशिएबल हैं आपके, तो u इंटू v लगाया, x का x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y1 इज y2, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया ये, प्लस dy अपॉन dx एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, दिस इज इक्वल टू माइनस थ्री एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कॉस, लॉग एक्स फर्दर डिफरेंशिएबल था, उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x, फिर ये प्लस एज इट इज, 4 एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स फर्दर डिफरेंशिएबल था, इंटू 1 अपॉन x, यहाँ पे भी उसी तरीके से 1 अपॉन x कॉमन ले लिया, x इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैन बी रिटन एज वाई टू, क्योंकि मुझे प्रूफ जो करना है उसमें वाई टू की फॉर्म में गिवन है, तो मैंने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को वाई टू लिख लिया, देन प्लस ये वाला x जो है इधर मल्टीप्लाई करके x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैन बी रिटन एज वाई वन इक्वल टू माइनस थ्री कॉस लॉग ऑफ x प्लस फोर साइन लॉग ऑफ x. अब आप इसको अगर देखो, थ्री कॉस लॉग x प्लस फोर साइन लॉग x, ये क्या चीज है, y. ठीक है, तो इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, y से, क्योंकि ये दो टर्म्स आ गई, मुझे थर्ड टर्म क्या चाहिए, y चाहिए, तो ये पूरी जो दोनों टर्म्स हैं ये y के इक्वल है, तो इसको आप y से रिप्लेस कर दोगे, सो यू विल बी हैविंग x स्क्वायर y2 प्लस x y1 इज इक्वल टू माइनस y, ये माइनस y आपका इधर आ जाएगा, प्लस y बन जाएगा, एंड योर रिजल्ट विल बी ट्रू, यही चीज आपको शो करनी है. डन, यही राइटिंग प्रैक्टिस छूट गई है ना? डन, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरीके से है, सो दैट यू विल डू योरसेल्फ. क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 आर योर होमवर्क पार्ट्स. क्वेश्चन नंबर 16 हम करेंगे, नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन 14 एंड 15 होमवर्क पार्ट्स हैं, लिख लिया मैंने कल किए हुए देखने, क्वेश्चन 14 एंड 15 होमवर्क पार्ट्स. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16 नाउ. क्वेश्चन नंबर 16 भी अगेन इसी तरीके से है, y इक्वल टू हमें गिवन है, एंड वी आर टू प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर. y is e to the power y into x plus 1 is equal to 1. Show that d square y upon dx square हाँ जी क्या करें, ये गिवन है और प्रूव करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर. क्या करें, एक्स प्लस वन को चाहे तो यहाँ यू इंटू वी लगा लो, चाहे एक्स प्लस वन को इधर लाके इधर यू बाई वी लगा लो, कैसे करना है बोलो, वन वाली साइड लेते हैं, सो दिस विल बी ई टू द पावर वाई इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस वन. आगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है मुझे, बिल्कुल ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट करो क्या आएगा,
ई टू द पावर वाई एज इट इज, वाई डेरिवेटिव है फर्दर डिफरेंशिएबल है ये आ गया, दिस इज इक्वल टू, हाँ जी माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन टू द पावर, सो दिस कैन बी रिटन एज, इसको फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि आगे भी आपको डेरिवेटिव लेना है. अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए आपको, तो डिफरेंशिएटिंग अगेन क्या आएगा, अब यहाँ पे e to the power y as it is derivative of dy by dx, फिर u as it is derivative of v हो गया, अब v as it is derivative of u, this is equal to क्या आएगा, राइट हैंड साइड डेरिवेटिव क्या आएगा, डेरिवेटिव बताओ पहले, क्यों डेरिवेटिव पूछ रही हूं मैं इसका, डेरिवेटिव क्या आएगा, हाँ जी सक्षम, हाँ क्या हो जाएगा वो, माइनस वन इंटू माइनस टू हो गया टू, ये पावर आगे आ जाएगी ना, पावर फॉर्मूला लगा दोगे क्या बचेगा, x प्लस वन टू द पावर माइनस थ्री, अब फिर से यहां से e टू द पावर y हम कॉमन ले सकते हैं, आगे क्या बनेगा नेक्स्ट स्टेप, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो टेल व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, नो हैंड इज रेज्ड, अवि कैन यू टेल मी द नेक्स्ट स्टेप और इज देयर एनी मिस्टेक इन एनी ऑफ द स्टेप्स, हाँ जी कैंसिल कैसे हो जाएगा, यू आर सेइंग दिस थिंग, ये कह रहे हो, e to the power y क्या है, हाँ जी ओके अच्छा जी ओके इट्स ओके, आगे बताइए आगे बताइए, ओके कैंसिल कर दिया जी, यहाँ पावर टू रह जाएगी थ्री की जगह, आगे मुझे चाहिए क्या वो भी देख लो,
Ma'am, your voice is not audible. Give me the answer. Now am I audible? Yes, ma'am. Okay. Kamya, would you like to answer? Ma'am, ये वाला method काफी complex हो रहा है तो हम starting में ही log लेके नहीं कर सकते. Here also you can take दोनों sides पे अगर log ले. अगर मान लो आपको एग्जाम में क्लिक नहीं करता कि आप लॉग लेके कर सकते हो तो व्हाट टू डू, ये वाला कंप्लीट करो, कैसे सॉल्व करना है, बी क्विक. बोलो जल्दी से. हां जी गुरसिमर, इधर मेरे से बात करो. क्षितिज, वो गुरसिमरन है, मुझे तो इनके नेम्स में ही कंफ्यूजन रहती है. वो गुरसिमरन है, ये गुरसिमर है, मैंने गुरसिमर बोला है. हाँ जी, मास्क, बच्चे मास्क बिल्कुल उतरने नहीं चाहिए आप लोगों के. टेक केयर ऑफ दिस. सक्षम, विल यू ट्राई? सिया, वंशिका, चलिए बताइए बच्चे जल्दी से. क्या करें नेक्स्ट स्टेप? मैंने तो बताना ही है, थोड़े दिमाग अब आपके शार्पन किए जाए ना. घर बैठे बैठे बहुत रस्टिंग हुई हुई है. हां जी भव्या, स्टेप बताइए, कहां गलती है, अगर गलती है तो कहां पे है, जल्दी से. वैल्यू पुट करो, अभी तो मैंने हिंट भी दे दी है, करो कहां क्या आएगा. Be quick. हाँ जी, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. कहाँ करोगे? You want to say कि यहां अगर मैं e raised to power y की वैल्यू पुट कर दूं, ये कर दी मैंने, तो दिस इज माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, बिल्कुल ठीक है. आगे मुझे जो आंसर रखना है दैट शुड बी इन टर्म्स ऑफ दीज टू ओनली, यानी कि अब मुझे यहां से ये रिमूव करना है, ठीक है, ये रिमूव करना है. यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू है, वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर वैल्यू है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, डीवाई अपॉन डी एक्स क्या है, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन. तो क्या करूं मैं यहाँ पे, यहाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्या आ जाएगा, ये बन गया एज इट इज. बहुत क्लोज हो आप लोग आंसर के, थोड़ा सा वही चीज आ जाती है ना, सोचो तो सब होता है, पहले ही कह दो कि हमसे नहीं होगा तो यू वॉन्ट बी एबल टू डू दिस. ये मैंने टू एज इट इज ले लिया, यहाँ पे क्या है, वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर है, या तो यहाँ पे आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करके इसको वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर बना लो, ये वैल्यू वहां पे पुट कर दो, डीवाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इधर है, यहाँ ट्वाइस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर है, उधर जाके क्या आ जाएगा जो हमें आंसर चाहिए, गॉट दिस. या फिर यहाँ इसको लिख लो माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये टू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, गॉट द आंसर नाउ. बताया ना अब आप लोगों ने सोचा तो, मैं बता देती तो आप लोगों ने दिमाग लगाना ही नहीं था, दिस इज द डिफरेंस. मैथ्स जितना करोगे खुद सोचोगे उतना आपका जो है माइंड शार्प होगा. कंप्लीट दिस क्वेश्चन, अदरवाइज आप लोग इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स करके भी कर सकते हो, दैट विल बिकम लॉग ऑफ ई टू द पावर वाई प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस वन इक्वल टू लॉग वन आपका जीरो हो जाएगा, देन डिफ्रेंशिएट करके कर सकते हो. बढ़िया,
बट मोस्टली क्या होता है कि एग्जाम्स में क्लिक नहीं करता, तो यू शुड नो दिस मेथड ऑल्सो. इफ एनी डाउट इज देयर इन दिस क्वेश्चन देन यू कैन आस्क. अदरवाइज मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17 आफ्टर दिस. एंड देन द मीन वैल्यू थ्योरम्स जो हैं एक्सरसाइज 5.8 दैट हैज बीन डिलीटेड. सो आफ्टर दिस वी विल कंटिन्यू विद द मिसलेनियस एक्सरसाइज. And after that are two chapters for the term one are left. Chapter number one and chapter number six. ये दो chapters रह गए हैं. बाकी term one के आपके almost सभी chapters done हैं. हाँ जी. Term two के लिए time कम है, तो we will cover one or two chapters पहले कर लेंगे. You have to do 40 marks के लिए. आपको 90 minutes मिलेंगे. 90 मिनट्स का पेपर है, 40 मार्क्स का है पेपर है, 10 मार्क्स इंटरनल है. और इंटरनल मैंने देने नहीं है जिनकी अटेंडेंस कम होगी, जिनका मेरे पास कोई रिस्पांस नहीं आ रहा. सुन लो ध्यान से, जो टेस्ट हो रहे हैं ना वीकली बेसिस, ये सारे रिकॉर्ड जाने हैं वहां सीबीएसई में. बाद में मेरे से मत एक्सपेक्ट करना कि आई विल डू एनी फेवर. तो करना तो पड़ेगा ना बच्चे. शॉर्टकट्स भी बताएंगे आपको, पर पहले कंसेप्ट क्लैरिटी तो हो. सीधे ही मैं शॉर्टकट बता दूं तो फिर तो ये मेथड्स गए सारे. प्रूफ्स का बेनिफिट हो जाएगा आपको, वो नहीं करने पड़ेंगे, सीधा आप रिजल्ट लेके चल रहे. नाउ क्वेश्चन नंबर 17, ये भी आप ही बताओगे. इफ वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स स्क्वायर, then show that x square plus 1 whole square into y2 plus 2x into x square plus 1 into y1 is equal to 2. Tan inverse, not minus 1. पता लग रहा है घर बैठ के आए हैं आप. चलिए जी बताइए. चलो अंकिता, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. y डैश इक्वल टू, हाँ जी, 2 एक्स रेस टू पावर 1 हो जाएगा. टैन इनवर्स एक्स रेस टू पावर 1, पावर फॉर्मूला हमने लगा दिया. टैन इनवर्स एक्स इज फर्दर डिफरेंशिएबल. टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, अब आगे नेक्स्ट स्टेप. चलिए अब बताइए. बोलो, अब मैं कह रही हूँ बोलो, स्कूल आए हो, मैं कह रही हूँ बोलो, आप लोग बोल नहीं रहे. U into V लगाओ, बोलो जल्दी से. x square plus 1 as it is, derivative of y dash क्या आएगा? ये लो, dy by dx लिख दिया मैंने, अब बताइए. हाँ, d square y upon dx square. आगे क्यों? अभी आप u into v की बात कर रहे थे, अब equal to पे आ गए. प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स आ गया. ठीक है, आगे चलिए. दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव. नाउ द नेक्स्ट स्टेप.
नेक्स्ट स्टेप विल बी द लास्ट स्टेप. देखो क्या शो करना है उसको. क्यों? हाँ तो कैसे आया वो भी तो बताओ. हाँ जी, एक्स स्क्वायर प्लस वन को इधर ले आओगे, दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर. डी स्क्वायर को मैंने वाई टू लिख दिया, डी वाई अपॉन डी एक्स को मैंने वाई वन लिख दिया, टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इधर भी मल्टीप्लाई होगा एंड दिस इज इक्वल टू टू. सो यही चीज हमें शो करनी थी. सो दिस इज द रिजल्ट. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया, डिनोमिनेटर को हम इधर ले आए, यहाँ पे यू इंटू वी लगाया दोबारा डिफ्रेंशिएट करके, एंड देन वी विल गेट आर आंसर. क्लियर? चले मिसलेनियस एक्सरसाइज 5.8 आपकी डिलीटेड है. मीन वैल्यू थ्योरम दोनों डिलीटेड पार्ट है. सो मूविंग ऑन टू द, हाँ जी हाँ जी, मूविंग ऑन टू द मिसलेनियस एक्सरसाइज नाउ. क्वेश्चन नंबर वन है मिसलेनियस एक्सरसाइज का, ये आप खुद कर लेंगे, सिंपल है. पावर फॉर्मूला लगना है इसमें, 3x² माइनस 9x प्लस 5 रेज टू पावर 9. सेकेंड अगेन इज योर होमवर्क पार्ट, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस टू द पावर 6x. अलग अलग इनका डेरिवेटिव ले लोगे, देन 5 टू द पावर एक्स, 5x इंटू 3 कॉस 2x. ये बताओ मुझे, है वैसे ये भी इजी है? फाइव एक्स रेज टू पावर 3 कॉस 2x. हाँ जी, मिसलेनियस. बोलो क्या करें? वेरिएबल पार वेरिएबल है? नहीं नहीं हाँ जी बोलो बच्चे, वेरिएबल पार वेरिएबल के लिए क्या बताया था? लॉग, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लोगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ 5x रेज टू पावर 3 कॉस 2x. सो दिस इज 3 कॉस 2x इंटू लॉग ऑफ 5x, दिस इज लॉग वाई. क्या आएगा आगे? डिफरेंशिएट करो. वन बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, वेरी गुड. दिस इज इक्वल टू 3 कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x इंटू 2x इज फर्दर डिफरेंशिएबल, तो डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2 इंटू लॉग एक्स लॉग 5x एज इट इज, देन प्लस 3 कॉस 2x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ लॉग 5x. क्या आएगा डेरिवेटिव ऑफ लॉग 5x? इंटू 5. सिंप्लीफाई कर लो, y को उधर ले जाके y की वैल्यू पुट कर दो एंड यू विल गेट योर आंसर. दिस इज माइनस 6 साइन 2x इंटू लॉग ऑफ 5x प्लस 15 कॉस 2x अपॉन 5x. अब यहाँ पे y को रिप्लेस कर दो 5x टू द पावर 3 कॉस 2x से एंड दैट विल बी योर आंसर. हाँ जी, ये बाद में डिस्कस करें क्या भी करने हैं? दिस वन इज इजी. बच्चे इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क द डाउट, अदरवाइज आई एम एंडिंग द